मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग. माय नेम इज़ निशा एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल. तो आज हम फर्स्ट टाइम फ्लायर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. उनके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ आज. बेसिकली फर्स्ट टाइम फ्लायर्स थोड़े नर्वस होते हैं. उनको लगता है कि अगर कुछ हो गया, हम लेट हो गए या हमने कुछ मैसअप कर दिया तो फ्लाइट ना छूट जाए या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो आज के इस वीडियो में जो टिप्स हैं उसके माध्यम से ना ही आपकी कभी फ्लाइट छूटेगी, ना ही कोई भी मैस क्रिएट होगा और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिससे आपको एयर ट्रैवल करने में दिक्कत होगी. इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, बहुत हेल्पफुल होगा आई एम श्योर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला काम हम करते हैं टिकट्स बुक करने का. और अगर हम जैसे कि हम अभी एयर ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो एयर ट्रैवल के लिए टिकट्स बुकिंग बिल्कुल आसान है. आपको किसी एजेंट के पास जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. आजकल ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स आते हैं जहाँ पे आपको सारी एयरलाइंस के टिकट के प्राइसेस फॉर दैट पर्टिकुलर डेट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है. फिर आप इजीली उसे कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सी फ़्लाइट के प्राइसेस चीप हैं, किसके हाई हैं, और कंपैरेटिवली आप उसे किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि booking.com या goibibo.com या ऐसे और भी बहुत सारे टिकट बुकिंग ऐप्स हैं. या अगर आप सर्टन हैं कि आपको किस एयरलाइन से ट्रैवल करना है तो आप उस एयरलाइन के वेबसाइट पे या उस एयरलाइन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप डायरेक्टली वहाँ से टिकट्स बुक कर सकते हैं. दूसरी बात टिकट बुकिंग में, जब आप टिकट बुक करते हैं तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं दैट हमें क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी होती है तो हमें कुछ बुक कर लेना चाहिए फ़्लाइट में खाने के लिए. कुछ कुछ ऐसी एयरलाइंस होती हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स या मील प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे कि एयर इंडिया और भी बहुत सारी एयरलाइंस होंगी. लेकिन इस बात से आपको बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए कि वो भले ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री मील्स या स्नैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली उन्होंने उसका प्राइस आपके टिकट्स में ही इंक्लूड कर रखा होगा. दूसरे एयरलाइंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड या स्नैक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको उसके लिए पहले से ही बुकिंग करनी होती है. तो जब आप टिकट्स बुक करते हो तो वहाँ पे ऑप्शंस आता है प्री बुकड मील्स, या आपको कुछ मील्स प्री बुक करने हैं या स्नैक्स प्री बुक करने हैं तो आप वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं. और आपको फिर वहाँ से आपके सीट के चॉइसेस भी आते हैं कि आपको पर्टिकुलरली कोई विंडो सीट या मिडल सीट या आइल सीट कोई ऐसी बुक करनी है तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं. ये तो बात हो गई टिकट बुकिंग की. दूसरी बात, जब आपके टिकट्स बुक हो गए तो दूसरा काम आप क्या करते हैं, पैकिंग, राइट? तो अब यहाँ पे जब आप एयर ट्रैवल की बात कर रहे हैं और पैकिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एयरक्राफ्ट में लेके नहीं जा सकते, राइट? और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती हैं, हमारे पास दो बैगेज होते हैं, राइट? जब आप एयर ट्रैवल करते हैं तो एक हैंड बैगेज जो आप अपने साथ आपकी सीट तक लेके जा सकते हैं, दूसरा होता है चेक इन बैगेज, जो बड़े बड़े स्ट्रोलर्स या बड़े बड़े बैगेज होते हैं उनको आप काउंटर पे सबमिट कर देते हैं और फिर आपको वो डायरेक्टली आपकी डेस्टिनेशन पे मिल जाता है. तो अब आप हैंड बैगेज में क्या कैरी कर सकते हैं या क्या नहीं कैरी कर सकते, चेक इन बैगेज में क्या कैरी कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो नहीं ले जाना अलाउड है और बाय मिस्टेक आप उसे रख लेते हैं बैग में और वहाँ पे सिक्योरिटी को पता चलता है तो आप पूरे एयरपोर्ट पे आपको अपना पूरा बैग ओपन करना पड़ेगा. देन यू हैव टू ट्रैश इट, क्या पता वो कोई आपकी बहुत कीमती चीज़ हो और फिर आपको उसको डस्टबिन में डालना पड़ता है, आप रख नहीं सकते उसे. तो उससे पहले ही मेक श्योर कि यू आर वेरी सेफ और आप पूरे अच्छे तरीके से अपनी पैकिंग कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को नज़र में रख के, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. और दूसरी बात कि जब आप पैकिंग करते हैं तो आपको कितना सामान ले जाना है. हर एयरलाइन का बैगेज अलाउंस अलग अलग होता है, थोड़ा सिमिलर होता है लेकिन अलग अलग होता है. तो आप जिस भी एयरलाइन से जा रहे हैं, आपने जब टिकट बुक की है तो उसमें बैगेज अलाउंस लिखा होता है कि आप हैंड बैगेज या कैरी ऑन बैगेज या कैबिन बैगेज का वेट कितना ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज में कितना वेट ले जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ ले जाइए. उससे ज़्यादा ले जाएंगे तो आपको बिना मतलब के वहाँ पर ट्रैश
करना पड़ेगा, तो वो ना करना पड़े तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना सामान पैक कीजिएगा। अब जब आपका सामान भी पैक हो गया और वो दिन आ गया जब आपको फाइनली ट्रैवल करना है, तो अब बात आती है कि आपको एयरपोर्ट पे कब पहुंचना है, कितने समय पहले पहुंचना है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपका जो भी शेड्यूल डिपार्चर टाइम है जो आपके टिकट्स पे लिखा होगा, सपोज वो 12 o'clock इन द आफ्टरनून है, तो आप उससे 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे किसी तरीके से भी पहुंच जाइए। अगर वो डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो, अगर वो इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आप 3 घंटे पहले डेफिनेटली वहां पे पहुंच जाइए, जिससे ये नहीं होगा कभी कि आपकी फ़्लाइट छूट गई या ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो ना हो इसके लिए आप वहाँ पे 3 या 2 घंटे पहले ही पहुँच जाइए एज़ पर योर फ्लाइट्स। अब जब आप एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, उसके बाद बहुत सारे डिपार्चर गेट्स होते हैं एयरपोर्ट्स पे, तो आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं, 1-2 गेट्स को छोड़ के जो ऑलरेडी स्टाफ्स के लिए प्री बुक्ड होता है। अब जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचे, सबसे पहला काम ये कीजिए कि डिपार्चर गेट के पास, एंट्री गेट के पास ट्रॉलीज रखी होती हैं, तो आप कोई भी एक ट्रॉली पुल कीजिए, अपना सारा बैगेज उस ट्रॉली पे रख दीजिए। उसके बाद अपना टिकट जो आपके पास ई टिकट है वो उसको हैंडी रखिए, उसको निकाल के वो स्क्रीन ऑन ओपन करके रखिए, साथ में ही अपना आईडी प्रूफ भी निकाल के रखिए अपने टिकट के साथ। अब आप जो भी क्यू है वहाँ पे उसमें चले जाइए, वहाँ पे कोई CISF पर्सनल होगा या कोई भी होगा जो आपकी टिकट्स चेक कर रहा होगा, तो आप उसे टिकट्स दिखाइए, अपना आईडी प्रूफ दिखाइए और फिर आप एंटर कर सकते हैं एयरपोर्ट में। अब जब आपने एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर लिया, उसके बाद कुछ आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लायर हैं तो। कुछ एयरपोर्ट्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे मुंबई का एयरपोर्ट है या चेन्नई का एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट है, तो ये सारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप क्या कीजिए कि जैसे आपने एयरपोर्ट पे एंटर किया, उसके बाद आपको आपका एयरलाइन का काउंटर सर्च करना है। वहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट स्टाफ होते हैं, आप उनमें से किसी से पूछ सकते हैं दैट एक्सक्यूज़ मी, कि आप मुझे बता सकती हैं कि इस पर्टिकुलर एयरलाइन, जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसका काउंटर कहाँ है। जैसे आप उसके काउंटर के नज़दीक बढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे एक स्कैनिंग मशीन रखी होगी जहाँ पे आपके जो बड़े वाले बैगेजेस हैं वो स्कैन हो रहे होंगे, तो आप उसके अंदर अपने बैगेजेस स्कैन कर दीजिए, उसके बाद अपने काउंटर की तरफ बढ़िए। अब अगर आपने इकोनॉमी क्लास में बुकिंग कराई है तो आपको बहुत बड़े क्यू से गुजर के जाना होगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लंबी क्यू ऑलरेडी होगी। अगर आपने बिजनेस क्लास या कोई भी ऐसे प्रायोरिटी चेक इन वाली सीट्स बुक की हैं तो आपके लिए एक सेपरेट फर्स्ट या सेकंड काउंटर होगा, उसके लिए मोस्टली फर्स्ट काउंटर ही होता है, फिर आप वहाँ पे इजीली जा सकते हैं, बहुत कम रश होता है। अब जब आप काउंटर पे पहुंच गए हैं तो आप अपने जो भी डिटेल्स हैं, अपना टिकट या अपना PNR नंबर और ID प्रूफ दिखाएंगे, वो आपको बोर्डिंग पास दे देंगे। बोर्डिंग पास देने के बाद वो आपका जो बैगेज है जो आपने स्कैन करवाया था थोड़ी देर पहले, उसको वे करेंगे और उसके बाद उसको अपने साथ रख लेंगे बेसिकली, और वो आपको डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा डायरेक्ट, जहाँ पे भी आप जा रहे हो। उसके बाद वो आपके हैंड बैगेज का वे करेंगे और फिर आप हैंड बैगेज अपने साथ लेके आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही आपको काउंटर पे बोर्डिंग पास मिल गया, आपका बैगेज कलेक्ट कर लिया उन्होंने, हैंड बैगेज आपको दे दिया वे करके, उसके बाद आप बढ़ते हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया की तरफ। वहाँ पे आप जाएंगे, आपकी आपके लिए एयरपोर्ट पे बहुत सारे मार्किंग्स होंगे, आपको पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी होल्ड एरिया किस तरफ जाना है आपको। अगर नहीं पता चलेगा आपको तो आप वहाँ पे किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाएंगे, आपको सिक्योरिटी से गुजरना होगा। अब जब आप सिक्योरिटी क्रॉस कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास सिर्फ बोर्डिंग पास हो, आपका जो भी हैंड बैगेज है, या अगर आप मेल हैं आपने बेल्ट पहन रखा है तो आपका बेल्ट, फोन्स, ईयरफोन्स, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सरे मशीन में डाल देंगे, वो स्कैन करेंगे उसे, और तब तक आप
इधर जहाँ पे आपकी खुद की चेकिंग होगी वहाँ पे बोर्डिंग पास लेके जाएंगे, आपकी चेकिंग हो गई, आप दूसरे तरफ जैसे ही जाएंगे तब तक आपको वहाँ पे आपका बैगेज मिल जाएगा एक्सरे मशीन पे, आप उसे कलेक्ट कीजिए। और उसके बाद जब भी वे इनफैक्ट जैसे ही आपको बोर्डिंग पास मिलता है तो वैसे ही आप बोर्डिंग पास को एक बार पढ़ लीजिए, उसमें आपका गेट नंबर लिखा होगा, आपका फ्लाइट नंबर लिखा होगा, सीट नंबर लिखा होगा, तो ये सारी चीज़ें पहले पढ़ लीजिए। अब जैसे ही आप सिक्योरिटी होल्ड एरिया से निकलते हैं तो उसके बाद आपको अपना गेट नंबर सर्च करना है, आपके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा होगा, जैसे गेट नंबर 40 लिखा है। तो उसके बाद जैसे ही आप सिक्योरिटी होल एरिया से बाहर निकलेंगे तो बड़े बड़े ऐसे स्क्रीन्स लगे हुए हैं कि फ्रॉम दिस गेट नंबर टू दिस नंबर गेट नंबर यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट, और स्ट्रेट एंड देन राइट, और स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट। तो फिर आप उसको फॉलो करते करते आप अपने गेट तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फ्लाइट में टाइम है आप वहाँ पे वेट कर लीजिए, नहीं वेट करना तो आप थोड़ा नज़दीकी कोई फूड कोर्ट होगा वहाँ पे जाके कुछ मंच कर सकते हैं। और उसके बाद मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट पे जो भी अनाउंसमेंट चल रही है उसे सुनते रहें, क्योंकि वो अनाउंसमेंट आपके फ़्लाइट के रिगार्डिंग भी हो सकती है। कुछ एयरपोर्ट्स साइलेंट एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे अनाउंसमेंट्स नहीं बजेंगी, तो आप अपना फ़ोन चेक करते रहिए कि क्या आपके फ़ोन पे कोई मैसेज तो नहीं आया है फ़्लाइट रीशेड्यूल होने का या कुछ भी ऐसा। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे ही आप गेट के पास पहुँचे, आपकी फ़्लाइट आई, फिर बोर्डिंग किया आपने, नाउ यू आर इन दी एयरक्राफ्ट। अब आप एयरक्राफ्ट में हैं, जैसे ही आप एयरक्राफ्ट में जाते हैं अपना सीट नंबर देख लीजिए जो भी आपके बोर्डिंग पास पे रखा है, उसके माध्यम से आप अपने सीट तक जाइए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी आपका सीट नंबर कहाँ है तो वहाँ पे जो भी एयर हॉस्टेस या कैबिन क्रू है आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कुड यू प्लीज़ असिस्ट मी, या क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं मुझे मेरी सीट तक पहुँचने में। जैसे ही आप अपने सीट पे पहुँच गए तो आपका जो भी हैंड बैगेज है, जो भी आपके साथ बैग है आपके पास, वो या तो आप ऊपर एक कक्ष बना होता है जहाँ पे आप अपना सामान रखते हैं, ओवरहेड बिन या ओवरहेड लॉकर कहते हैं उसे, तो आप उसमें अपना सामान रख सकते हैं, या तो जिस सीट पे आप बैठे हैं अपने सीट के आगे नीचे दूसरी वाली सीट के नीचे रख सकते हैं अपना बैग। ये तो हो गई आप एयरक्राफ्ट में हैं। अब एयरक्राफ्ट में जैसे ही आप एंटर किए, अपने सीट पे बैठ गए आप, तो कुछ अनाउंसमेंट्स प्ले होती हैं एयरक्राफ्ट में, उसको कॉन्टिन्यूसली सुनते रहें, इग्नोर ना करें कोई भी अनाउंसमेंट, क्योंकि वो सारी अनाउंसमेंट्स आपके सेफ्टी से रिलेटेड ही होती है। उसके बाद जैसे आप बैठे, फिर बोर्डिंग कंप्लीट हो गई, सारे पैसेंजर्स आ गए एयरक्राफ्ट पे, आप तुरंत अपना फ़ोन ऑफ कर लीजिए, सीट बेल्ट फासन कर लीजिए। वैसे ही सारी अनाउंसमेंट्स प्ले हो रही होंगी एयरक्राफ्ट में, तो उसको ज़रूर ध्यान से सुने। नाउ यू आर इन द एयरक्राफ्ट, अब आप एयरक्राफ्ट में हैं ऑलरेडी, अब आप इन्जॉय योर फ्लाइट। काफ़ी लोग ये बात सोचते हैं या ये बात समझते हैं कि एयरक्राफ्ट में पानी पीने के लिए भी पैसे देने की ज़रूरत है। नहीं, जब तक आप कोई बॉटल ऑफ वाटर ना खरीदें आपको पानी पीने के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने बार भी पानी पीना चाहें आप पी सकते हैं। आपके सीट के ऊपर कुछ पैनल्स बने होते हैं, उसमें एक क्रू कॉल बेल होता है, आप उसे प्रेस कीजिए, आप देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। वहाँ पे साइंस सिंबल्स या ऐसे कुछ साइंस बने होते हैं जिससे आपको पता चल जाए। आप क्रू को बुलाइए, वो डेफिनेटली आपको असिस्ट करेंगे, पानी के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम एयरक्राफ्ट में हैं, एयरक्राफ्ट आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले, जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड हो गई आपके डेस्टिनेशन पे, तो उसके बाद आप लैंड हो गई, जब तक एयरक्राफ्ट रुकती नहीं है तब तक अपने सीट से उठिए मत। ये सारे अनाउंसमेंट्स प्ले हो रही होंगी, बट जस्ट फॉर अ जनरल आइडिया, आप अपने सीट से उठिए मत। जैसे एयरक्राफ्ट कंप्लीट स्टॉप पे आ जाती हैं और डोर्स ओपन हो जाते हैं, तब आप उठ सकते हैं, अपना बैगेज निकाल सकते हैं और ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं उतरने के लिए। फाइनली यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। तो जैसे ही आप उतरते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो अगर अब बात आती है डेस्टिनेशन पे उतरने से पहले आ जाते हैं थोड़ा, जब आप एयरक्राफ्ट में ही हैं और एयरक्राफ्ट लैंड हो गई है तो एक अनाउंसमेंट प्ले होगा। काफ़ी लोग वंडर करते हैं कि ओ माय गॉड मेरा बैगेज कहाँ मिलेगा मुझे, जो मैंने सबमिट किया था अराइवल स्टेशन पे।
आई मीन ओरिजिन स्टेशन पे, तो वो बैग आपको डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा. उसके लिए आपको अनाउंसमेंट सुनते ही रहना पड़ेगा. जैसे ही आप लैंड हुए आपके डेस्टिनेशन पे, तो कैबिन क्रू एक अनाउंसमेंट प्ले करेगी या करेगा दैट द बैगेज यू कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस बेल्ट नंबर. तो जिस भी बेल्ट नंबर का अनाउंसमेंट होगा, आप वहाँ पे जैसे आप अराइव करोगे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे बहुत सारे बेल्ट्स बने होंगे. यहाँ पे जैसे बड़े बड़े लगेजेस, बड़े बड़े लगेज मिलते हों आपको, तो आप वहाँ पे जाके जिस भी बेल्ट नंबर का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया, उस बेल्ट नंबर पे जाइए, आपको अपना बैग वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना बैग कलेक्ट कर सकते हैं. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू get the recent notification. If you have any query regarding the video, please ask me down in the comment section. Also, you can DM me on Instagram, knowitall.408. Thank you so very much for watching the video till the end. Have a wonderful day.